तो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, मैं रील्स देख रहा था, तो कुछ ऐसी रील्स आई जिनमें कि इनकम का सोर्स बता रखा था, पर डे 700 से 1000 तक हम कमा सकते हैं, वो डॉलर में था। तो तीन एप्लीकेशन की लिंक बताई थी जो कि अर्निंग सोर्स के लिए ही थी। मैंने तीनों ऐप को ट्राई करा और उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, क्या ये रियल है या फेक है। तो वीडियो को पूरी चेकआउट करना, यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप के ब्राउज़र पर। यहाँ पर हम फर्स्ट वेबसाइट सेट करते हैं, सर्च करते हैं, जिसका नाम है प्लेलिस्ट पुश। तो जस्ट सर्च करने के जस्ट सर बाद ये आती है हमारी, आती है बिकम अ क्रिएटर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट प्रमोशन। तो इस पर क्लिक करते यार ये एरर आ रहा है, बताओ क्या करें इसका। तो हमने बैक करके पहला वाला क्लिक किया, लिंक उसमें भी एरर आ रहा है। तो भाई ये तो पूरी तरह से फ्लॉप है, इसमें तो काट दिया उन्होंने अच्छा था, लेकिन फिर मैंने ध्यान से पढ़ा ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम योर कंट्री लिखा आ रहा था। तो चलो यहीं से दूसरी वेबसाइट सर्च करते हैं, rap.com। तो इसमें मुझे $12 ऐसी कुछ करके हमें बोला था। इसमें हमें ट्रांसक्रिप्शन फ्रीलांसर की जॉब मिलती है। तो इसमें फ्रीलांसर पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस इसमें खुलता है। इसमें लिखा है लिसन ऑडियो वीडियो क्रेशिट टाइप व्हाट इज बीइंग सेड लेवल स्पीकर। तो मैं इस पर लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा इंटरफेस इसका आ जाता है। इसमें स्टेप्स है, मुझे लगा ये रियल है, इसमें हमें मिल जाएगा, हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैं नीचे जाके साइन अप किया। जस्ट मैंने साइन अप के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये वापस ऊपर आ गया। अच्छा, तो मैंने फिर से क्लिक किया, मेरे को लगा कुछ एरर होगा, फिर से क्लिक किया तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो वी आर नॉट करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम योर लोकेशन। तो भाई यहाँ भी काट दिया यार हमारा इन्होंने। वेल डन, इंस्टाग्राम पे हवाबाजी में मिलियन मिलियन के लाइक ले रहे हैं और यहाँ पे। तो यार अब बारी है तीसरी वेबसाइट की जिसका नाम है salad.com। तो ये कटिंग एज कंटेनर पता नहीं क्या लिखा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करते हैं, बॉटम साइड में लिखा था तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड के लिए आ गया। मैं डाउनलोड पे क्लिक जैसे ही करता हूँ तो एक APK इंस्टॉल होने लग जाता है, 150 MB है कम से कम। यहाँ पे ये ऐप मेरे से ईमेल मांग रहा है तो मैंने एंट्री और ईमेल में अपनी ईमेल फिल कर दी। उसके बाद जस्ट ये कोड मांगता है, OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो काफ़ी वेट करने के बाद मेरा वो कोड नहीं आ रहा था तो मैंने एक रिफ्रेश किया, रिफ्रेश के बाद भी नहीं आया तो रिसेंड कोड करके फिर से मैंने चेकआउट किया। सो फ़ोन की स्क्रीन पे जाता हूँ कुछ तो यहाँ पे अभी तक नहीं आया था। तो मैंने रिफ्रेश करा तो फिर आया। तो जस्ट ओपन करने के बाद लॉगिन कोड हमने इसमें कोड एंटर करने के बाद ये खुल जाता है कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से, जिसमें कि मेरे को लग रहा है होम स्क्रीन फिर से आ गई, लेकिन नहीं, ये दूसरी थी, मैंने दो बार चेकआउट कर ली थी। तो ये यहाँ पे कुछ लिखा था, एस्टिमेट माई सेविंग्स 100 सीरीज 0.005 पर आवर डॉलर। तो यहाँ पे मेरे से नेम, मेल, कंपनी नेम, टेलीफोन मांग रहा था तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये मेरी प्राइवेसी के चक्कर में कुछ डाल ही रहा। आप चाहो तो इस वेबसाइट पर जाके ट्राई आउट कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन तो तीनों ऐप हमने चेक किए, किसी में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ना किसी में अर्निंग का सोर्स है ना है। दो में तो हमें साफ मना कर दिया कि नहीं, इस कंट्री में लॉगिन नहीं हो सकता। तीसरे वाले में हम पूरा चेकआउट नहीं किया, हम लास्ट तक गए, लेकिन नेम वेम के चक्कर, मैंने अपनी प्राइवेसी के चक्कर में ही नहीं किया। चाहे तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, क्या पता उसमें हो जाए। लेकिन आप एक बार कॉमन सेंसली सोचने कि क्या कोई सो के कोई पैसा कमा सकता है? अगर सोने से कोई बिल लेने और बनता तो क्या बात होती। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को इन्फो दादा को सब्सक्राइब जरूर करना।